Dear students, so in today's class we are going to study about special purpose two terminal devices. This is nothing but we can say special purpose diodes also sometimes, because in under this one we'll study about LED, LCD, tunnel diode and all kind of special purpose devices. So what we are going to study in this class, that tunnel diode, special purpose diodes like varector diode, photodiode, LED, LCD in brief. And this comes under again the syllabus of emerging domain in electronics engineering, first year AKTU syllabus. My name is Hari Mohan Rai, aur aaj ki class mein hum log padhne ja rahe hain special purpose two terminal devices ke bare mein. To chaliye class shuru karte hain. Jo bhi is topic hum log padhne ja rahe hain, ye टॉपिक जो होगी वो ब्रीफ में होगी, ब्रीफ अबाउट एलईडी, ब्रीफ अबाउट एलसीडी, बिकॉज दिस टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, आई मीन इट इज नॉट लाइक लॉन्ग क्वेश्चंस में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जनरली नहीं आता है, इसी वजह से इस टॉपिक को हम लोग शॉर्ट में ही, ब्रीफ में ही पढ़ेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट विद लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी. एट नेम सजेस्टेड, ये एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ऑप्टो मतलब लाइट से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये होती है रिलीज होती है, इसलिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अंदर लाइट इमिटेड डिवाइस है, यानी कि जिसे कि ऑप्टिकल मतलब डायोड भी बोलते हैं. इट इज एन ऑप्टिकल डायोड दैट इमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस, यानी कि अगर हम इसका कनेक्शन फॉरवर्ड बायस, यानी कि पॉजिटिव का पॉजिटिव एंड मतलब पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करें, यानी कि अगर करंट का कंडक्शन हो डायोड में, तो उस वो क्या होती है, एक लाइट इमिट करती है. और इसीलिए इसका जो सिंबल हम देखेंगे, तो सिंबल में डायोड के सिंबल के साथ एक लाइट का यहाँ पे इमिशन का ये दिया गया है, यानी कि एरो इंडिकेट्स दैट डिवाइस इमिट्स द लाइट एनर्जी. नाउ अब इसके थोड़ा सा बेसिक छोटा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लेते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन से ही इसका मेन प्रिंसिपल स्टार्ट होता है. इसको कंस्ट्रक्शन जो है, इसमें तीन सेमी कनेक्टर लेयर्स को डिपोजिट करते हैं एक सबस्ट्रेट में. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो ये इसमें ये सबस्ट्रेट है, नीचे सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, तो इस सबस्ट्रेट के ऊपर तीन सेमीकंडक्टर टर्मिनल, मतलब एक ये नीचे वाला एन टाइप जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की डोपिंग है, पी टाइप जिसमें कि होल्स की डोपिंग है, और बीच वाला जैसे डिप्लीशन लेयर होता है उस तरीके से यहाँ पे एक्स रीजन को एक्टिव रीजन बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रिकम्बिनेशन होता है, यानी कि आपस में कंबाइन होते हैं, और जैसे रिकम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, लाइट इमिट करेंगे फिर से, यानी कि यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिव रीजन बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल, एक्टिव रीजन इमिट्स लाइट करता है जब इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन होते हैं, यानी कि दोनों आपस में मिलते हैं इस सिंपल वर्ड में. यानी कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज एग्जैक्टली सिमिलर टू पी एन जंक्शन डायोड, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे सिलिकन या जर्मेनियम का यूज ना करके गैलियम या फॉस्फोरस या आर्सेनिक टाइप के अलग टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि सिलिकन एंड जर्मेनियम जो होता है वो ज्यादातर एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर, जो एनर्जी रिलीज होती है रिकम्बिनेशन के वक्त, वो एनर्जी किस में जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है इंस्टेड ऑफ लाइट. बट अगर हम गैलेनियम, गैलेनियम फास्फोरस, गैलेनियम आर्सेनाइड टाइप के जो मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो रिकम्बिनेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. That's why we are not using, ये दो मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि why silicon and germanium are not used in the construction of LED. रीजन समझ में आया? Because इसमें मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट नहीं इमिट कर पाती है, इस वजह से silicon and germanium का यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी में नहीं होता है. अब बेसिक इसमें छोटा सा एक प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल कह सकते हो कि सो इसमें इसका एक वर्किंग ऑपरेशन कर लें या वर्किंग प्रिंसिपल कर लें बिल्कुल शॉर्ट में, तो ये बिल्कुल जैसे डायोड काम करता है उस तरीके से ये भी काम करता है. लाइक नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड ऑलरेडी आल्सो ऑपरेट ओनली इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में ये सिंपल नॉर्मल डायोड की जैसे कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि करंट का फ्लो जनरली नहीं होता है. टू क्रिएट एन एलईडी, जैसे हमने अभी बात किया था, तो क्या करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड बायस में करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि टाइप ऑफ मटेरियल जो एन टाइप को हम
नेगेटिव एंड पी टाइप को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस में करने के लिए. और जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तो क्या होता है, होल्स फ्रॉम पी मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन मटेरियल गेट्स डाइव इनटू द एक्टिव रीजन, यानी कि वो क्या होते हैं, वो एक्टिव रीजन में पहुंचते हैं, यानी कि वो मूव करते हैं. और वेन दे रिकम्बाइन लाइट इमिट होता है. सिंपल वर्ड में जैसे डायोड काम करता है वैसे ही काम करता है, बट अंतर क्या होता है कि जब आप करंट यानी कि जो चार्जेस मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होते हैं तो लाइट इमिट होती है. ओके, एज वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर इन द वैलेंस बैंड. हमें पता है कि वैलेंस बैंड में जनरली होल्स होते हैं. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, जहां पे कि यानी कि कह सकते हो जो चार्ज है जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, वो फ्री बन जाते हैं, और जिनके पास एनर्जी कम होती है वो कहां रहते हैं, वैलेंस बैंड में. ओके, so that means that free electrons are at higher energy level with respect to the holes. Okay, so when free electrons recombine with the holes, jab free electrons recombine karenge hole ko, to it falls from the conduction band to valence band. yani ki jab recombination hoga to energy jo hai, yani ki electrons jo hai wo hole ke sath ye milenge, to kya hoga, conduction band se वैलेंस बैंड में पहुंच जाएंगे. यानी कि दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीजेज, यानी कि एनर्जी रिड्यूस हो गई, कम हो गई, तो जो एनर्जी रिलीज होगी फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, इसी वजह से इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलुमिनेंस प्रोसेस. यानी कि जो इलेक्ट्रिक रिलीज होती है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आने की वजह से उसको इलेक्ट्रोलुमिनेंस प्रोसेस बोलते हैं. और इसमें जो अब वो सब देखा होगा आप लोगों ने, डिफरेंट टाइप्स की एलईडी लाइट होती है, ब्लू कलर, रेड कलर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो उसके लिए अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए जो इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं टू कंट्रोल द वेवलेंथ एंड कटर कलर द इमिटेड लाइट, जैसे गैलियम फॉस्फोरस अगर हम ऐड करेंगे तो रेड या ग्रीन टाइप की लाइट इमिट होगी. उस तरीके से अगर गैलियम आर्सेनाइड यूज करेंगे तो इंफ्रारेड इनविजिबल लाइट होगी. गैलेनियम नाइट्रेट यूज करेंगे हम लोग तो ब्लू टाइप की एलईडी यूज होगी. तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अगर हम इम्प्यूरिटीज को ऐड करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के एलईडी लाइट जो है वो लाइट इमिट होती है. ओके, ये वर्किंग पार्ट में देख ही सकते हो कि सिमिलर प्रोसेस है जैसा कि हम नॉर्मल जंक बनाते हैं. अंतर क्या होता है कि जब दोनों रिकम्बाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो वहां पे रिकम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है. तो दिस वॉज अबाउट एलईडी. अब इसमें एक्स्ट्रा आप एप्लीकेशन भी ऐड कर सकते हो. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, लो एनर्जी जहाँ पे यूज होती है, जैसे एलईडी टेलीविजन के तौर पे एलईडी लाइट्स यूज करते हैं, एलईडी बहुत सारे डिवाइसेस एलईडी के तौर पे यूज होती है. यानी कि एलईडी के एप्लीकेशन जितने भी आप अराउंड देख रहे हो, एलईडी स्क्रीन, एलईडी डिवाइसेस, एलईडी बल्ब्स या एलईडी यहाँ तक ट्यूबलाइट, एवरीथिंग. सो दिस ऑल आर नथिंग बट बींग यूज नाउ इट इज बिकॉज इट कंज्यूम्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, आई मीन वोल्टेज, पावर बहुत कम कंज्यूम करता है. नाउ वी आर गोइंग फॉर द एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. नाम सुना होगा हम लोगों ने, तो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी एक टाइप का कह सकते हैं डायोड है, या एक तरीके से डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो जनरली स्क्रीन के पर्पस के लिए यूज करते हैं, डिस्प्ले करने के पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि डिस्प्ले नाम दिया गया. तो ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी ड्रॉ इट्स डेफिनेशन फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ, यानी कि जिसका नाम है उसी से इसका डेफिनेशन निकलता है. दैट इज, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट्स ऑफ द मैटर, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ओके, सॉलिड एंड द लिक्विड, यानी कि क्रिस्टल डिस्प्ले यूजेज ए लिक्विड क्रिस्टल to produce the visible images, यानी कि liquid crystal का use करके, liquid यानी कि solid and liquid का combination है, तो liquid crystal का use करके हम visible image या visible display का दिखाते हैं, उसको हम liquid crystal बोलते हैं. यानी कि liquid crystal cells consist of a thin layer of liquid crystal sandwiched between two glass sheets. You can check it out here. कि दो glass sheets के बीच में, ये एक glass sheets है, just a second. ये ग्लास शीट, सेकंड ग्लास शीट, तो ग्लास शीट्स के बीच में यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल रखे हुए हैं. दिस आर द लिक्विड क्रिस्टल्स, डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हैं इसे, और विथ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड स्पेसेस एंड सीलर्स. तो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है, या तो ये दोनों ये जो ग्लास प्लेट्स होंगे वो ये होंगे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स यूज किया जाता है, बिकॉज इसमें सप्लाई देने के लिए प्लस माइनस जो है वो बीचों यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि दोनों ग्लास शीट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे बीचों बीच. ओके,
सो यानी कि लिक्विड क्रिस्टल तो लिक्विड क्रिस्टल यूज करता है साथ साथ में जो कि बीच में सैंडविच होता है या बीच में लगा हुआ होता है बिटवीन टू ग्लासेस. व्हाट इज स्पेसर और सीलर? तो इस ग्लास आपस में चिपके नहीं है, लिक्विड के ऊपर बीच में स्पेस बना रहा है. इसके लिए स्पेसर करके कुछ दो स्मॉल डिवाइसेस दोनों कॉर्नर पे अलग कॉर्नर पे यूज करते हैं ताकि बीच में लिक्विड क्रिस्टल बना रहे. ओके अब यहाँ पे क्या कि अगर दोनों ग्लासेस ये बोथ द ग्लासेस आर ट्रांसपेरेंट देन इट इज नोन एज ट्रांसमिटिव टाइप सेल. यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों अगर ट्रांसपेरेंट है, दोनों साइड से डिस्प्ले हो सकती है, दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है ग्लास, दोनों ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो कहलाएगा ट्रांसमिटिव टाइप सेल. लेकिन अगर कोई एक है और एक रिफ्लेक्टिव है यानी कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव टाइप सेल. यानी कि वन ट्रांसपेरेंट है और अनदर में रिफ्लेक्टिव कोटिंग है तो कहलाता है लिक्विड सॉरी रिफ्लेक्टिव टाइप सेल. तो बेसिक हो गया. अब इसके इसी में जनरली हम लोग दो टाइप के डिस्प्ले अवेलेबल है जिसको कि डायनेमिक स्कैटरिंग डिस्प्ले एंड फिल डिफेक्ट डिस्प्ले के नाम से जाना जाता है. तो व्हाट हैपेंस इन डायनेमिक, नाम से पता चला डायनेमिक स्कैटरिंग यानी कि डायनेमिकली स्कैटर्ड हो जाता है और फिल डिफेक्ट का इसमें फील्ड का प्रभाव पड़ता है. तो देखिए व्हाट इज दैट, बस बेसिक में एक से लाइन में डिफाइन करना है इसे. तो व्हेन डायनेमिक स्कैटरिंग डिस्प्ले इज एनर्जाइज्ड यानी कि इस टाइप का डिस्प्ले जब एनर्जाइज होता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जाइज्ड एरिया अब बिकम्स टर्बुलेंट यानी कि काफी तेजी से वो मूव करना या ये हो जाता है एंड स्कैटर्ड इन ऑल लाइट इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, यानी कि टर्बुलेंट का मतलब ये होता है कि वो तेजी से बिखरना शुरू कर देता है चारों हर डायरेक्शन में और लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में डिस्प्ले करता है, स्कैटर करता है. कंसिक्वेंटली क्या होता है, जो एक्टिवेटेड एरिया होगा जहां पे एक्टिव वो एनर्जी एक्टिवेटेड हुआ है इट टेक्स एज ए frosted glass appearance resulting in the silver display. यानी कि वो एक तरीके से सिल्वर डिस्प्ले व्हाइट सिल्वर डिस्प्ले की तरह काम करता है. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो एक्टिवेटेड एरिया है वो सिल्वर डिस्प्ले की तरह बिहेव करने लगता है और इस रिमेनिंग एरिया ऑटोमेटिकली वो ब्लैक या डार्क मोड में चला जाएगा. इट मीन्स दैट जो भी एनर्जी या जो भी एनर्जी एनर्जाइज होगी, जो मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज होंगे वो लाइट स्कैटर करेंगे और लाइट स्कैटर होने की वजह से क्या होगा, वो डिस्प्ले जो होगा ब्राइट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, वो डार्क जैसा दिखेगा. तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ा स्कैटर, स्कैटरिंग की वजह से, लाइट के स्कैटरिंग की वजह से. अब आते हैं फील्ड इफेक्ट एलसीडी में. फील्ड इफेक्ट एलसीडी में क्या हो गया, इसमें दो पोलराइजर होते हैं, फ्रंट एंड बैक पोलराइजर, और दोनों एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ, यानी राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पे बने हुए होते हैं. सो जब विदाउट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, जब कोई इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी जाती है तो लाइट कमिंग थ्रू द फ्रंट पोलराइजर यानी कि फ्रंट पोलराइजर से जो लाइट आएगी वो रोटेटेड इन द फ्लूइड एंड रिफ्लेक्टेड बैक बाय द मिरर. वो फ्लूइड में क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है, घूम जाती है बिना कोई इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन के, कोई अगर हमने सप्लाई या एनर्जी नहीं दे रखी है तो रिफ्लेक्टेड बैक बाय द मिरर. और जब इसमें स्टैटिक फील्ड यानी कि सप्लाई हम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड क्रिस्टल फ्लूइड जो होता है वो रोटेट, ये भी रोटेट करता है लेकिन इस तरीके से रोटेट करता है सो दैट लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द रियर पोलराइजर. यानी कि इस तरीके से रोटेट करता है कि जो आपका बैक जो पोलराइजर है रियर पोलराइजर उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है. और दिस रिजल्ट इन द डार्क लाइट्स ऑन द लाइट बैकग्राउंड. यानी कि जो रिफ्लेक्ट कर दिया वो आपका ब्राइट लाइट्स की तरफ बिहेव करता है यानी ब्राइट लाइट से रिप्रेजेंट करता है और जो अब्सॉर्ब हो गया वो क्या है डार्क लाइट की तरह बिहेव करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट एलसीडी. बहुत ब्रीफ में करना है, ब्रीफ में इसके बारे में बताना है इसलिए हम लोग ब्रीफ में बात कर रहे हैं. अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि ये भी पावर कंजम्पशन काफी लो यूज करता है. 7 segment डिस्प्ले ऑफ एलसीडी रिक्वायर्ड ओनली अबाउट 140 माइक्रोवाट. जस्ट थिंक 140 माइक्रोवाट व्हिच इज द मेजर एडवांटेज ओवर द एलईडी. एलईडी से बेहतर सिर्फ इसी केसेस में है कि काफी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी एलसीडी डिस्प्ले के तौर पे लेता है, जहां पे कि एलईडी करीब करीब 40 मिलीवॉट के आसपास लेता है. लेकिन और इसकी एक और चीज है, द कॉस्ट ऑफ एलसीडी इज आल्सो लो. बट नुकसान क्या है, क्यों नहीं ज्यादा यूज कर रहे हैं हम एलईडी कंपेयर में, क्योंकि ये थोड़ा स्लो डिवाइस है, यानी कि टर्निंग ऑन एंड ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और इसके मिली सेकेंड्स में टाइम लग जाता है, कुछ 10 मिली सेकेंड समथिंग लाइक दैट. और ये थोड़ा एरिया भी ज्यादा कवर अप करता है जहां पे एलईडी बहुत स्मॉल एरिया में यूज हो जाता है. डायरेक्ट करंट रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन ऑफ द एलसीडी, देयरफॉर एलसीडी यूजेस एसी सप्लाई हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 500. यानी कि सिंपल वर्ड में कहें तो ये थोड़ा स्लो डिवाइसेस है, एरिया लार्ज चाहिए
और लाइफ स्पेन भी कम्प्लीटली थोड़ा सा कम है। अब इसका एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया डिस्प्ले डिवाइसेस में होता है, जैसे वॉचेस में, वॉच के जो डिस्प्ले होते हैं जहाँ पे, डिजिटल वॉचेस में, टेलीविजन में, मोबाइल स्क्रीन्स में, जो भी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे कि हमें डिस्प्ले की जरूरत होती है वहां पे, एंड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले वगैरह में हम जनरली यूज करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है इस स्पेशल पर्पस डायोड या स्पेशल पर्पस डिवाइसेस के अंदर में है वो है टनल डायोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, व्हाट इज बेसिकली टनल डायोड। सो टनल डायोड एक तरीके से जैसे हमारा जनरल डायोड था उसी तरीके से टनल डायोड भी हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। और हेवीली डोप्ड का मतलब इस तरीके से कि ये टनल डायोड नेगेटिव रेसिस्टेंस शो करता है व्हेन वोल्टेज इंक्रीज है, यानी कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट का फ्लो क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेगेटिव रेसिस्टेंस का मतलब कि उस एरिया में जहां पर नेगेटिव रेसिस्टेंस एरिया है अगर मैं वोल्टेज में इंक्रीज करूंगा, वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ओके, रिड्यूस होगी तो इसका मतलब करंट का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। और टनल डायोड वर्क्स बेस्ड ऑन द टनल इफेक्ट, यानी कि ये टनल इफेक्ट के बेस पे काम करता है। तो टनल डायोड एक हेवली वेट हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है जो कि नेगेटिव रेसिस्टेंस को शो करता है जहां पे कि वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ क्या होता है, करंट वैल्यू डिक्रीज होती है और ये टनल इफेक्ट को शो करता है। अब जनरली इसको डिफाइन कर लें कि डायोड की डोपिंग इस केस में इसका कंसंट्रेशन डोपिंग जो होती है करीब करीब 1000:1 का होता है, यानी कि 1000 टाइम्स ज्यादा हम कन्वेंशनल डायोड के कंपेयर में डोपिंग करते हैं, जो नॉर्मल डायोड के कंपेयर में 1000 टाइम्स ज्यादा। और जब 1000 टाइम्स हम ज्यादा डोपिंग करेंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो है वो 100 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी करीब करीब। ओके, और जब 100 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर इतनी पतली हो जाएगी नेट की तरह जिससे कि जो चार्जेस होंगे पेनेट्रेट कर जाएंगे इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग ओवर इट, उसको क्रॉस या जंप करने की बजाय उसके थ्रू क्रॉस कर जाएंगे, टनल कर जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टनलिंग फेनोमेना। और इस इफेक्ट जिस डायोड में होता है, सच हाई इंप्योरिटी टू डेंसिटी डायोड हैविंग टनल टनलिंग फेनोमेना इज कॉल्ड टनल डायोड। ठीक है, यानी कि जिसमें हाई डोपिंग की वजह से जो डोपिंग का जो डिप्लेशन लेयर होती है वो काफी पतली हो जाती है, उस पतली जो डिप्लेशन लेयर है उसमें जो हमारे चार्जेस हैं वो इंस्टेड ऑफ जंपिंग या क्रॉसिंग ओवर इट उसके थ्रू टनल कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, इस प्रोसेस को टनलिंग कहते हैं। और जिस भी डायोड में हाई डोपिंग डायोड में टनलिंग फेनोमेना होती है उसको हम बोलते हैं टनल डायोड। टनल डायोड को दिखाते कैसे हैं, ये टनल के आगे डायोड के आगे एक टनल जैसा बना देते हैं, यानी कि जस्ट ये डायोड है ये, और यहाँ पे जो हम सीधे रखते थे वहां पे टनल दिखा देते हैं कि एक यहाँ पे टनल है। ओके, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं किस तरीके से, इसमें एक रेसिस्टेंस रेसिस्टिव रेसिस्टेंस होता है आरएस, सीरीज रेसिस्टेंस बोलते हैं, एक सीरीज इंडक्टर होता है एलएस, और यहाँ पे कैपेसिटर इंक्लूडेड होता है, और यहाँ पे नेगेटिव रेसिस्टेंस यानी कि आरएन माइनस दिखा रखा है। सिंपल सी बात है, रेसिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजंस ये है, ये यहाँ पे बनता है। तो ये इसका एक वैलेंट सर्किट मॉडल है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ बहुत बार 2 मार्क्स में इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, तो इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ जितने भी हमने अभी तक ये पढ़ा है डायोड या डिवाइसेस, उससे बिल्कुल अलग होती है। यानी कि ये एक ऐसे बिहेव करता है, इनिशियली जैसे ही आपको सप्लाई आप देते हो इनिशियली बिल्कुल लगता है कि कोई यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है, जैसे ही करंट आपने थोड़ी सी वोल्टेज के लिए करंट मैक्सिमम चला जाता है, और लेकिन मैक्सिमम गया और एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद से बीच में जहां पे नेगेटिव रेसिस्टेंस रेजिस्टेंस अकर होता है उस ड्यूरेशन में वोल्टेज में जब बढ़ाता हूं तो करंट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। यानी कि एक सिंपल वर्ड में जैसे सांप की चाल होती है इस तरीके से, उस तरीके से ये बिहेव करता है, और इस वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो 0 से स्टार्ट होती है, बिल्कुल लग रहा है कोई रेसिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम पहुंच जाती है, और इस मैक्सिमम पॉइंट पे जिसको पीक पॉइंट कहते हैं, पीक पॉइंट के बाद फिर करंट जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ये रेसिस्टेंस नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन है, इसमें जो हमारे रेसिस्टेंस की वैल्यू जो होती है नेगेटिवली इंक्रीज हो जाती है और करंट जो है डिक्रीज हो जाता है, और ये मिनिमम वैली पॉइंट तक यानी कि जो नेगेटिव रेजिस्टेंस जैसे ही खत्म होता है तो वापस एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ करंट हो जाता है। तो जब आप इसका कैटलिस्ट बनाएंगे तो इन सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, आप नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को मेंशन जरूर करेंगे इस बीच में, ये दिस इज द मेन पॉइंट। देन पीक पॉइंट जहां पे कि ये पीक करंट और ये पीक वोल्टेज, ये वैली पॉइंट और ये वैली वोल्टेजेस है, यानी कि घाटी
और ये कहीं पे पीक जाएगा, फिर इसके बाद रिड्यूस होगा, फिर मिनिमम जाएगा, उसको वैली बोलेंगे, और फिर नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। और उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेसिस्टेंस इज रिमेंस वेरी स्मॉल और करंट अटेंस एज ए पीक आई पी कॉरेस्पॉन्डिंग टू वी पी। यानी कि इस पॉइंट पे क्या होगा, डी आई बाई डी वी की जो वैल्यू होगी, यानी कि अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे मैक्सिमम पॉइंट को पीक को, तो क्या मिलेगा आपको, स्लोप जीरो मिलेगा। और इस तरीके से अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा अब इसके बाद पीक के बाद, तो क्या होगा, करंट डिक्रीज करेगा, दैट मींस डी आई बाई डी वी जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। डी आई बाई डी वी क्या होता है, आई बाई बी, आर इज इक्वल टू आई बाई बी, यानी कि मतलब कंडक्टिविटी, आर मतलब रेसिस्टेंस हो गया, तो रेसिस्टेंस हो गया वी बाई आई, और कंडक्टेंस क्या हो गया, आई बाई वी। तो इसलिए यानी कि डी आई बाई डी वी की जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो निगेटिव हो जाती है, इसलिए निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन बोलते हैं यहाँ पे। और निगेटिव रेसिस्टेंस कंटिन्यू अप टू द वैल्यू वोल्टेज यहाँ तक, और इसके बाद ये बिल्कुल अगेन नॉर्मल पेवन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है। तो ये था हमारा टनल डायोड के बारे में, एंड अब हम आते हैं वैरेक्टर डायोड के बारे में। तो अगर आप लोगों ने पिछला इसका लेक्चर देखा होगा अपने ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का, तो एक तरीके से ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और वैरेक्टर डायोड सिमिलर होते हैं। यानी कि जिस भी डायोड में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस डोमिनेंट हो, ज्यादा अपना ये दिखाए, प्रभाव दिखाए, उसको वैरेक्टर डायोड बोलते हैं। इसको वेरी कैप बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर एक तरीके से। तो ए वैरेक्टर डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड वेरी कैप, यानी कि वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस, और टर्निंग डायोड इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड विच हैज वेरिएबल वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटेंस, दैट इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इन रिवर्स बायस कंडीशन। यानी कि ये रिवर्स बायस कंडीशन में डेवलप होता है। रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, इन रिवर्स बायस कंडीशन में पीएन जंक्शन कंसिडर टू बी वेरी सिमिलर टू द कैपेसिटर। कब, जब पी एंड एन लेयर रिप्रेजेंट द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हाइल द डिप्लीशन रीजन एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक। जैसे हमें पता है कि जब रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है रिवर्स बायस कंडीशन में, इसको पी और एन मानते हैं अगर तो। और जब डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है तो करंट नहीं फ्लो, आइडियली करंट नहीं फ्लो होता है, बहुत कम अमाउंट, यानी कि ये जो एरिया है ये बिल्कुल डायलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करने लगता है। डायलेक्ट्रिक मतलब जहां पे कोई चीज करंट पास, कंडक्शन नहीं हो रहा है। और इधर की साइड में पॉजिटिव चार्जेज, इधर माइनस किया है हमने, यानी कि माइनस प्लस को इकट्ठा कर लेता है, यानी कि इधर पी में, तो इधर प्लस चार्जेज इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव प्लस की ज्यादा हो जाती है, और इस साइड में माइनस चार्जेज इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि ये पैरेलल प्लेट, इधर प्लस पॉजिटिव प्लेट और इधर नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करना शुरू करता है, और बीच वाले पोर्शन डायलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। तो यानी कि ये कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करना शुरू करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। यानी कि इन प्रैक्टिस स्पेशल पर्पस डायोड विच शो द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी मोर प्रीडोमिनेंटली एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल डायोड इज कॉल्ड वैरेक्टर डायोड। और हम जानते हैं कि मैथमेटिकली कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, सीटी को, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को, सीटी इज इक्वल टू एप्सिला ए डिवाइड बाय ओमेगा डी डब्ल्यू डी। एप्सिला हमें पता है, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी होती है, और ए जो है वो क्या हो गया, ए इज द पीएन जंक्शन डायोड का पूरा एरिया हो गया, ये पीएन पूरा यहां से यहां तक का एरिया हो गया, एंड डब्ल्यू डी इज द डिप्लीशन लेयर की विड्थ हो गई। यानी कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा बढ़ेगी, है ना, यानी कि ये बीच की विड्थ जो है, ये डिस्टेंस बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, रिड्यूस होगा। और अगर एरिया जितना ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका मतलब है कि हमारा कैपेसिटेंस जो है वो उतना ही बढ़ते जाएगा। इसका सिंबल कैसे होता है, डायोड के आगे कैपेसिटर, कहीं कहीं पर ऐसे भी दिखाया जाता है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर ये डायोड के आगे कैपेसिटर जैसा दिखाते हैं, ये हो जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस में दिखाते हैं, इस साइड में आपका वी आर और यानी कि वोल्टेज, और इधर कैपेसिटेंस, यानी कि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं वी को, क्या होता है, हमारी कैपेसिटेंस सीटी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कि जीरो पे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे रिवर्स बायस को हम बढ़ाते हैं हमारी वोल्टेज सीटी की वैल्यू, यानी कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसका एक रिलेशनशिप इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक रिलेशनशिप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि लिखते हैं के डिवाइड बाई वी जे प्लस वी आर टू द पावर एन। CT is equal to again K divided by VJ plus VR to the power N, जहाँ पे CT is nothing but capacitance, transition capacitance of the vector diode. और K क्या होता है? K एक constant होता है, एक तरीके से material constant, जिसकी value considered to be one. Generally इसकी value को हम one मानते हैं, यानी कि one divided by लिखेंगे। VJ क्या हो गया? Junction या barrier potential. अगर silicon लिया आपने तो 0.7, germanium लिया तो approximately 0.3 volt.
VR मतलब अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज, यानी कि जैसे मान लो वन अगर सिलिकॉन डायोड लिया है तो 0.7 वोल्ट, और जर्मनी अगर VR की वोल्टी यानी कि जो भी दिस 2 वोल्ट अप्लाई किया -3 वोल्ट अप्लाई किया, तो कुछ इस तरीके से ये होगा। एंड व्हाट अबाउट N? N जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि N की वैल्यू वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। हो गया, तो ये हो गया हमारा वैरेक्टर डायोड। तो सिंपल वर्ड में वैरेक्टर डायोड का मतलब जिसमें ऐसा डायोड जो वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करे, यानी कि ऐसा डायोड जिसमें कि कैपेसिटेंस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायस में जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसको हम लोग वेरिएबल यानी कि वेरी कैप या वैरेक्टर डायोड बोलते हैं। अब इसका एप्लीकेशन ट्यून्ड सर्किट में, FM मॉड्यूलेटर में, या ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल डिवाइसेस में, एडजस्टेबल बैंड पास फिल्टर्स में, या पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हम इसका यूज करते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज फोटो डायोड, आपने नाम सुन रखा होगा, जिसको कि फोटो डिटेक्टर या लाइट डिटेक्टर भी बोलते हैं, यानी कि जो लाइट को सेंस करता है या लाइट को डिटेक्ट करता है, यानी कि फोटो डायोड ऑपरेट ये भी रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करता है। ओके, बैटरी डायोड की तरह। नाउ अब ये फोटो डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड दैट विल कंडक्ट करंट व्हेन एक्सपोज्ड टू द लाइट, यानी कि ये जस्ट एलईडी में क्या होता है, लाइट जो है वो इमिट होती है और ये क्या करता है, लाइट को सेंस करता है, यानी कि जब लाइट पड़ती है तो ये कंडक्ट करता है। समझ गए मेरी बात, यानी कि फोटो डायोड इज दैट विल कंडक्ट करंट व्हेन इज एक्सपोज्ड टू द लाइट, यानी कि दिस डायोड इज एक्चुअली डिजाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स बायस मोड, यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में ये काम करने के लिए बनाया गया। इट मींस दैट लार्जर द इंटेंसिटी ऑफ द फॉलिंग लाइट द ग्रेटर विल बी द रिवर्स बायस करंट, यानी कि जितना ज्यादा इस पे लाइट पड़ेगी उतना ही ज्यादा इसमें रिवर्स बायस करंट डेवलप होगा। टिपिकली फोटोडायोड मटेरियल्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड एंड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। द सिंबल ऑफ फोटोडायोड इज सिमिलर टू द एलईडी बट द एरो पॉइंट इज टुवर्ड्स इनवर्ड्स अपोजिट टू द एलईडी, यानी कि ये इस तरीके से इनसाइड में दिखाया जाता है। सो फोटोडायोड के बारे में जस्ट बेसिक इतना ही, बिकॉज वेरी शॉर्ट नोट्स मैं पहले बताया था कि हमें क्या करना है, कुछ रेफरेंसेस पॉइंट हमने दे रखा है, यू कैन गो थ्रू इट, दिस आर द आपको इसमें ढेर सारे, अगर इसके और डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे डिटेल्स में। और भी कुछ डाउट या कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप पूछ सकते हैं, बट दिस आर द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, इसके बाद एलसीडी एंड एलईडी। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस, जिसका कि हमने ये पूरा ब्रीफ में एक बार पढ़ा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे इस गिवन ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।